सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, आज का व्लॉग है गार्डनिंग का नर्सरी विजिट। सो ये एक नर्सरी है ओल्ड अम्बाला रोड पे ज़ीरकपुर में, पंकज नर्सरी के नाम से। तो आज यहाँ विज़िट किया था मैंने और मेरे फ्रेंड ने, तो इसका एक ब्लॉग किया था जो कि मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगा। तो ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये सिरेमिक पॉट्स के विजुअल्स हैं। इसमें काफ़ी तरह के सिरेमिक पॉट्स रखे हुए हैं इन्होंने, स्टैंड्स भी हैं, और नॉर्मल जो कच्ची मिट्टी के प्लांटर्स होते हैं वो भी हैं, सिरेमिक प्लांटर्स भी हैं अलग अलग शेप्स के, स्टैंड्स भी हैं इनके पास आयरन के। ठीक है, तो आप अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप यहाँ पर एक बार विज़िट कर सकते हैं। ओल्ड अम्बाला रोड लोकेशन है, मैं लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ऑनर का मोबाइल नंबर भी डाल दूँगा। और ये जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये क्रोटोन है, साथ में सिरेमिक पॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये प्राइम रोज़ है, और हर एक तरह के प्लांट्स हैं इनके पास। ये भी जो देख रहे हैं आप, क्रोटोन की वैरायटी हैं, और ये बिगोनियाज हैं जो आपके सामने हैं, ये सकुलेंट्स की वैरायटी है, ये क्रेसुला भी हैं इनके पास, और ये पाम आ गए हैं, देखिए चमनडोरिया आ गया है, साइकस पाम आ गया है, अलग अलग तरह के हैं। ये अभी जो विंटर सीज़न फ्लावर्स हैं वो पड़े हैं बीच में, काफ़ी ड्रेसीना हैं, और काफ़ी तरह के प्लांट्स हैं इनके पास, स्नेक प्लांट्स हैं, एरिका पाम हैं आप देख सकते हैं, और ये ग्रीन नेट के नीचे इन्होंने लगाए हैं बिकॉज़ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको शेड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो भी ग्रीन प्लांट के नीचे आप देख रहे हैं वो सब शेड में रखने वाले हैं। और इनके पास आर्टिफिशियल्स भी हैं जो आप बाहर डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं गार्डन में फॉर अ पीस, जैसे गौतम बुद्ध का एक अब देखा होगा आपने अभी डेकोरेशन पीस, वो आप गार्डन में रख सकते हैं। क्रोटोन की काफ़ी अच्छी अच्छी प्लांट्स हैं इनके पास, मैच्योर प्लांट्स हैं, साइप्रस है इनके पास, गोल्डन जूनिपर है, वो देखिए स्टैंड्स आपको देख रहे होंगे आप, चार गमले वाले डबल स्टोरी स्टैंड्स भी हैं इनके पास। सो काफ़ी अच्छी नर्सरी है, मैं ज़्यादातर यहीं आता हूँ अपने प्लांट्स लेने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा गार्डनिंग की ब्लॉग्स भी मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पर, तो जितने भी मैक्सिमम प्लांट्स मैं लेके आता हूँ मैं यहीं से लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे घर के नियर बाय है। सो ये डेफन बेकिया था अभी देखा आपने बीच में, और ये गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, और बोनसाइज भी रखे हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स रखे हुए हैं। ड्रेसिंगा देखिए, मैरून कलर के जो प्लांट्स वाला देखिए, रबर प्लांट देखिए कितना मैच्योर है, और ये कैलेंडुला आ गए हैं, पेटूनियाज हैं, डॉग फ्लावर हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और ये देखिए, ये मिट्टी के कच्ची मिट्टी के जो पॉट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे राइट, ये सीमेंट के प्लांटर्स भी हैं इनके पास, हर एक तरह के साइज़, हर एक तरह के शेप्स हैं इनके पास राइट। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आके, मैं तो बोलूँगा अगर आप नियर बाय हैं ज़ीरकपुर के, या डकोली के हैं, या चंडीगढ़ अगर आप डेरा बसी हैं, तो रास्ते में ओल्ड अम्बाला रोड है वहाँ पे नर्सरी हैं, काफ़ी सारी नर्सरीज़ हैं, बट ये मेरे को बेस्ट, इनके प्राइस काफ़ी अच्छे हैं, रीज़नेबल प्राइस हैं इनके, तो आप विज़िट कर सकते हैं एक बार यहाँ पे। सो ये मैंने सोचा था आज आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो। ये देखिए जो क्रोटोन, कितने मैच्योर प्लांट्स हैं, तो आप विज़िट करके आप लेके जा सकते हैं। एग्लोनीमा है, बट अभी सीज़न नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एग्लोनीमा का, फेबररी एंड में आप लेके जा सकते हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न बढ़िया रहता है प्लांट्स का। तो गाइज, अगर प्लांट्स का शौक़ है आपको प्लांटेशन का, तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल बंदे को अपने घर पे लगाने चाहिए प्लांट्स, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एज़ वेल, ग्रीनरी अच्छी लगती है काफ़ी, बर्ड्स के लिए भी अच्छी है, ह्यूमंस के लिए भी अच्छी है। और ये देखिए एक शॉट मैंने क्लिप ऐड किया है इसमें गौतम बुद्ध का डेकोरेशन। सो ये थी गाइज आज की वीडियो, होप अच्छी लगी आपको वीडियो ये वाली, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स, थैंक्स एवरीवन।